नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 12th क्लास की जो 9th लेसन है आई एम जॉयस ब्रेन, उसका जो सेकेंड पार्ट बचा हुआ है उसको हम यहां पे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। यहां फ्रेंड्स देखें कि डिनाइंग एंट्रेंस टू अदर्स, यानी कि हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको अंदर जाने देता है और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है उनको रोक रखता है, अंदर प्रवेश करने से मना कर देता है। थस इस प्रकार इट वेलकम द ग्लूकोज आई नीड, जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है वह उसको अंदर प्रवेश करने देता है। बट ब्लॉक्स आउट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, लेकिन उन चीज़ों को ब्लॉक कर देता है जैसे कि जो बैक्टीरिया हैं और जो टॉक्सिक जो हानिकारक जो विषैले तत्व हैं उनको रोक देता है। मोस्ट पेन किलर्स एंड एनास्थेटिक्स पास इन विथ इजी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पेन किलर्स होती हैं, जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, और एनास्थेटिक्स मीन्स होता है बेहोश करने वाली दवाएं हैं, उनको यह आसानी से प्रवेश करने देता है। बट सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से डू एल्कोहल एंड हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स दैट वाइडली डिस्टॉर्ट माई नॉर्मल एक्टिविटीज। एल्कोहल और जो भ्रमित करने वाली दवाएं हैं हमारे मस्तिष्क को, जो हमारी सामान्य गतिविधियों को पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं, उनको भी यह अंदर प्रवेश करने देता है क्योंकि इसको एहसास नहीं हो पाता ऐसी दवाओं का, तो ये भी बहुत आसानी से हमारे मस्तिष्क में अंदर पहुंच जाती हैं। आई मे इवन हियर ए विजुअल इमेज, मैं यद्यपि उनकी छवियों को देख सकता हूँ, देखी जा सकती हैं। आई मे इवन हियर ए विजुअल इमेज, यानी कि उस स्थिति में भी ये हमारा जो मस्तिष्क है वो विजुअल्स को समझ सकता है, चीज़ों को देख सकता है, छवियों को। आगे देखें, ए वर्ड अबाउट माई आर्किटेक्चर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरी बनावट के बारे में जो शब्द है। लेफ्ट ए पीस ऑफ सॉट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि फ्रॉम ए लॉन, किसी लॉन से, किसी आंगन से यदि जो घास बिछी रहती लगी होती है, यदि उसको हम एक छोटा सा हिस्सा को खींचें, एंड नोट द बैफलिंग इंटरवीनिंग ऑफ रूट्स, तो आप देखेंगे कि उसकी जो जड़ें हैं एक दूसरे से फंसी हुई हैं। बैफलिंग इंटरवीनिंग का मतलब होता है आपस में जकड़े होना। तो जो जड़ें होती हैं आप देखते हैं जब कोई घास उखाड़ते हैं तो जो घास की जड़ें होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वो काफ़ी मिट्टी को पकड़े हुए होती हैं। आई एम समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर कह रहा है कि मेरा भी वैसा ही है, यानी कि मैं भी वैसा ही हूँ। दैट मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस ईच ऑफ माई 30 बिलियन नर्व सेल्स, यहाँ पर कहा जा रहा है उसी तरह मैं लाखों का गुणक हूँ। जिस तरह से आप देखते हैं कि घास की जो जड़ें होती हैं आपस में एक दूसरे जकड़ी होती हैं, यहाँ पर कह रहा है ठीक उसी तरह से जो नर्व सेल्स हैं, जो नर्व कोशिकाएं हैं, वो आपस में ईच ऑफ माई 30 बिलियन, यानी कि 30 अरब कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और न्यूरॉन्स जो तंत्रिकाएं हैं कनेक्ट विद अदर्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। समथिंग एज मैनी एज 60,000 टाइम्स, यानी कि लगभग इनसे 60,000 ज़्यादा गुना, मतलब ये आपस में जुड़ी होती हैं, इतनी संख्या इनकी अधिक होती है। आगे देखेंगे, ए न्यूरॉन लुक्स समथिंग लाइक ए स्पाइडर अटैच्ड टू ए फिलामेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो न्यूरॉन होते हैं लुक्स समथिंग लाइक ए स्पाइडर, एक मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, अटैच्ड टू ए फिलामेंट, जो तंतुओं से जुड़े होते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि जो मकड़ी का आपने जो जाला देखा होगा तो उसमें जो जाला होता है उसके बीचों बीच मकड़ी स्थित होती है, बैठती है। तो यहाँ पर स्पाइडर को, स्पाइडर की तरह न्यूरॉन्स को कहा गया है जो जिसके पैर टच होते हैं फिलामेंट्स में, तंतुओं में। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, यहाँ पर कहा गया है कि जो मकड़ी है वो कोशिका का शरीर है। द फिलामेंट द एक्सॉन, और उसके जो रेशे हैं, जो तंतु हैं, जो आप देखते हैं जाला होता है उसमें इस तरह की लाइंस बिछी होती हैं और गोलाईदार तंतु उसमें बिछे होते हैं, तो उनको कहा गया है कि वो क्या है, एक्सॉन है। द लैग्स द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स का मतलब होता है वृक्ष होना, वृक्ष। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मकड़ी के जो पैर हैं वो डेंड्राइट्स हैं, यानी वृक्ष हैं। द लैग्स पिक अप ए सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स,
मकड़ी के जो पैर होते हैं उन पैरों को वो पूरे जाले में इस तरह से फिट करके रखती है कि कहीं पर कोई हलचल होती है तो तुरंत उसे संकेत मिल जाते हैं। तो ठीक यहाँ पर कहा जा रहा है कि द लेग्स पिक अप ए सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स, यानी कि जो पैर हैं मकड़ी के वो संबंधित न्यूरॉन से सिग्नल संकेतों को प्राप्त करते हैं, पास इट टू द बॉडी और मकड़ी को संप्रेषित कर देते हैं, क्योंकि बॉडी को मकड़ी को ही बॉडी यहाँ पर कहा गया है, और पास इट टू द बॉडी। द सिग्नल इज इन टर्न पास्ड अलोंग बाय द फिलामेंट एट स्पीड अप टू 340 किलोमीटर पर आवर, और ये जो संकेत हैं ये पास किए जाते हैं जिनकी तंतुओं के द्वारा, फिलामेंट्स के द्वारा, और इनकी जो स्पीड होती है संकेतों को पास होने की, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने की, वो होती है 340 किलोमीटर पर आवर की गति से हमारे शरीर से जो संकेत जाते हैं मस्तिष्क तक, वो इतनी स्पीड में जाते हैं। आफ्टर ईच सिग्नल पासेस, प्रत्येक सिग्नल जब पास होता है होने के पश्चात, इट टेक्स ए फिलामेंट अबाउट 1/20,000 ऑफ ए सेकेंड टू रिचार्ज इटसेल्फ केमिकली, यानी कि प्रत्येक सिग्नल के जाने के पश्चात, पास होने के पश्चात, इसके जो तंतु हैं वो 1 सेकेंड के 2000वें भाग के बराबर समय लेते हैं रिचार्ज इटसेल्फ केमिकली, रासायनिक तौर पे खुद को रिचार्ज करने के लिए। एट नो पॉइंट डज वन ऑफ माई न्यूरॉन्स टच अनदर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। सिग्नल्स आर पास स्पार्क ए फैशन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी ऐड नहीं होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे संकेत जाते हैं वो सभी अलग अलग संकेत अलग अलग न्यूरॉन्स के माध्यम से जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि बिजली के तार होते हैं, यदि दो बिजली के तारों को जिनमें अलग अलग धारा प्रवाहित होती है जोड़ दिया जाए तो फॉल्ट मार जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग अलग संकेतों को लेके जाते हैं जो कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक जो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका होती है, उससे अलग संकेत जा रहा होता है। यदि एक दूसरे से टच हो जाएंगे तो जो संकेत हैं वो भ्रमित हो जाएंगे, यानी कि संकेत गड़बड़ा जाएंगे। आगे देखें, एट ईच फायरिंग वन नर्व केमिकली कम्युनिकेट्स विद अनदर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो नर्व सेल्स हैं वो रासायनिक रूप से एक दूसरे से संकेत कम्युनिकेट करती हैं, संप्रेषण करती हैं। आगे देखिए, फॉर ऑल माई वर्सैटिलिटी, यदि इसकी जो संभाव्यता है, इसकी जो विशेषताएं हैं, वर्सैटिलिटी मीन्स होता है उसकी विशेषताएं, उसकी उसकी जो यानी कि जो अच्छाइयां हैं, फॉर ऑल माई वर्सैटिलिटी आई अनफॉर्चुनेटली नेवर लर्न द वंडर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने कभी भी अपने जो प्रजनन करने के, जो उत्पादन करने के जो वंडर्स हैं, जो आश्चर्य हैं, उनको कभी नहीं सीखा है। इस कैन लीवर टिश्यू, ब्लड सेल्स, त्वचा, लीवर के जो ऊतक हैं, ब्लड सेल्स, खून की जो कोशिकाएं हैं, कैन बी रक्त कोशिकाएं, कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस, उनको मृत होने के पश्चात, नष्ट होने के पश्चात बदला जा सकता है। बट इफ आई लॉस वन ऑफ माई सेल्स इट इज लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई लॉस वन ऑफ माई सेल्स, यानी मस्तिष्क की अगर एक भी कोशिका नष्ट हो जाती है तो उसको कभी भी वापस हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे यहाँ पर कहा गया है, एट बाई एज 35, 35 की उम्र के उम्र पर, जो वाज लूसिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल्स अ डे, यानी कि जब कोई व्यक्ति 35 साल का हो जाता है तो उसकी जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो पर डे 1000 नर्व सेल्स कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं विथ एज, आयु के साथ साथ। आई आल्सो लॉस वेट, और धीरे धीरे इसका जो वजन है वो भी कम होता जाता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व्स, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे अंदर जो रिजर्व करने की जो महान क्षमता है, दीज थिंग्स माइट बी डिजास्ट्रस, ये सभी चीज़ें बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही डिजास्ट्रस है, बहुत ही खतरनाक हैं। बट आई कंपेंसेट, लेकिन मैं ये जो क्षतिपूर्ति है उसको पूरी करके चलती हूँ या सामंजस्य बना के चलती हूँ। कंपेंसेट मीन्स होता है क्षतिपूर्ति कर लेना है, सामंजस्य बना लेना। लेट 1000 सेल्स डाई, जैसे ही 1000 कोशिकाएं मृत होती हैं, एंड 1000 सदर में नेवर नोटिस दिस लॉस, और इसी तरह से
लगभग 1000 कोशिकाओं के नष्ट होने का कोई संकेत भी नहीं मिलता, नोटिस यानी कोई सूचना भी कभी नहीं मिलती और नष्ट हो जाती हैं। बट इफ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जब ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं या हो जाती हैं जो में, तब जो जो है हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमनेस, तो हो सकता है जो कि जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो होने लगती है। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट, और जो उसके जो टेस्ट करने की क्षमता है, स्वाद को जो चखने की एहसास की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एक्यूट का मतलब होता है पूर्णतः परफेक्ट ना होना, कम होना। एंड हियरिंग फेड, और उसे सुनाई भी कम देने लगता है, यानी कि ऊँचा सुनने लगता है। जो माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पैन डिमिनिशिंग, यहाँ पर कहा जा रहा है जो जो कि जो ध्यान देने की क्षमता है वो भी कम होने लगती है। एंड ही माइट हैव मोर डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग नेम्स, और उसे धीरे धीरे नामों, डेट्स, दिनांक, टेलीफोन नंबर्स आदि याद करने में दिक्कतें होने लगती हैं। बट आई विल टेक केयर ऑफ रियली इम्पोर्टेंट जॉब्स टू द एंड, लेकिन ये कह रहा है कि अंत तक मैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होते हैं उनको मैं बड़े ही सावधानीपूर्वक ध्यान में रखता हूँ। आगे देखें, जो नोज ही हैज टू किडनीज, जो जानता है कि उसके पास में दो किडनीज हैं, टू लंग्स हैं, टू एड्रेनल्स ग्रंथियां हैं। ही डज नॉट थिंक ऑफ मी, लेकिन वह सबके बारे में नहीं सोचता, एज ए पेयर्ड ऑर्गन, कि मेरे पास में कितने पेयर्ड ऑर्गन हैं, यानी कि मस्तिष्क भी दो हिस्सों का बना हुआ है, वो इसके बारे में नहीं सोचता है कि मैं भी दो हिस्सों का बना हूँ। बट इन ए सेंस, लेकिन ध्यान में आई एम, हो चाहे ना हो लेकिन ये दो हिस्सों से मिलकर बना है हमारा मस्तिष्क। इन दैट आई हैव डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये है राइट यानी कि दायां और बायां हेमिस्फीयर गोलार्ध। माय लेफ्ट हाफ कंट्रोल मच ऑफ एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी, यहाँ पर कहा जा रहा है मेरा जो लेफ्ट यानी कि जो बायां गोलार्ध है, कंट्रोल्स ओवर एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी, तो कह रहा है कि हमारे शरीर के जो राइट हैंड यानी कि दाएं तरफ की जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा बाएं तरफ का मस्तिष्क, और माय हाफ हेमिस्फीयर द लेफ्ट, और ठीक उसी तरह से कह रहा है कि जो मेरा जो आधा हिस्सा है दाएं तरफ का वो लेफ्ट की गतिविधियों को संचालित करता है। विथ राइट हैंडेड पीपल, यहाँ पर कहा जा रहा है उनके लिए जो दाएं हाथ से काम करने वाले लोग हैं, द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, यानी कि जिन जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, दाएं हाथ वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो बायां गोलार्ध है वो शक्तिशाली होता है, वो प्रधान होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान होना। विथ लेफ्टीज, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, लेफ्टीज यहाँ पर कहा गया उनको जिनका लेफ्ट हाथ सक्रिय होता है। आपने देखा होगा जो क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो लेफ्टीज होते हैं, द रिवर्स इज ट्रू, यहाँ पर कहा जा रहा है उनका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जो राइट हैंड है वो उनका यहाँ इस तरफ का हिस्सा यानी कि उल्टा रहता है बॉडी से इसका कनेक्शन, तो उसको आपको समझना है, मेरा मानना है आप समझ गए होंगे। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तमान शोध से मालूम पड़ा है दैट माई लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स योर एबिलिटी टू वॉक, जो हमारा जो लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ का जो गोलार्ध है वो जो कि घूमने की क्षमता, लिखने की क्षमता एंड डू मैथमेटिक्स और जो गणनाएं करने की क्षमता है उसको नियंत्रित करता है। माई लेफ्ट हेमिस्फीयर इसेंशियली म्यूट, मेरा जो दायां गोलार्ध है वो सामान्य तौर पर शांत रहता है, म्यूट का मतलब होता है शांत रहना। बट कैन डू अदर थिंग्स, लेकिन वो अन्य चीज़ों को कर सकता है, सच एज जैसे कि मेक स्पेशियल जजमेंट्स, यानी कि जो खास तरह के जो निर्णय हैं उनको करने में हमारा राइट जो गोलार्ध है वो सक्रिय होने हो जाता है जब हम कोई विशेष जजमेंट या निर्णय लेते हैं। आगे देखें, स्पेशियल मीन्स होता है जो कोई खास या कोई गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जिसमें ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है, तब हमारा राइट हैंड का जो हेमिस्फीयर है गोलार्ध है वो एक्टिव हो जाता है। सर्टेनली दो, लेकिन फिर भी माय मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज माय बैकअप सिस्टम, यहाँ पर कहा जा रहा है कि
चौंकाने वाला जो गुण है वो है मेरा बैकअप सिस्टम, यानी कि मेमोरी को बैकअप में लेना। आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें हम मेमोरी को, जितना भी हमारा मेमोरी है उसको बैकअप में डाल देते हैं, और जब कभी दूसरा मोबाइल हम लेते हैं तो उसमें बैकअप हम ले लेते हैं, तो जो हमारा जो मेमोरी होती है वो पुनः उस दूसरे मोबाइल में आ जाती है। ठीक यहाँ पर कहा गया है कि मेरा जो मस्तिष्क है वो बैकअप सिस्टम उसमें बहुत अच्छा है, पुरानी से पुरानी यादें यहाँ पर स्टोर रहती हैं, उनको कभी भी वापस किया जा सकता है। पुरानी यादें भी आज हमारे मस्तिष्क में है बचपन की, उनको जब चाहें हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आई स्टोर ईच मेमोरी, यहाँ पर कहा जा रहा है मैं प्रत्येक याददाश्त को स्टोर करता हूँ इन वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री, यानी कि एक एप्पल यानी कि जो सेब का पेड़ है उसका जो दृश्य है, और द साउंड ऑफ ए ब्रूक, और छोटी छोटी नदी की जो आवाज़ें हैं, कुड ट्रिगर द सेम मेमोरी ऑफ ए स्पेशल स्पॉट इन वर्माउंट। कह रहा है कि वर्माउंट मीन्स होता है मस्तिष्क का ही एक जो विशेष हिस्सा है, छोटे छोटे बिंदु, उन पर अलग अलग सेम मेमोरी अलग अलग जगह अलग अलग बिंदुओं पर इकट्ठा करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर द जॉय टू मैनेज क्विट नाइसली, यह संभव है कि जो जो है वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता, प्रबंध कर सकता है। इवन इट पार्ट ऑफ हमी डिस्ट्रॉयड, लेकिन अगर कभी मेरा कोई हिस्सा मस्तिष्क का डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, माई रिमेनिंग पार्ट में रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जो सिस्टेंस टू इट। तो यहाँ पर कह रहा है कि माई रिमेनिंग पार्ट, मेरा जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा यानी कि जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, वो रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जॉब्स स्ट्रेंज टू इट, वह इस अनजान काम को करने के लिए थोड़ा समय जरूर लेगा। बट फ्रिक्वेंटली, लेकिन तुरंत आई एम एबल टू सेट अप कंपेंसेटिंग नेटवर्क्स, लेकिन मैं तुरंत अपने जो नेटवर्क्स हैं उनको पुनः व्यवस्थित करने लायक हो जाऊँगा। तो आगे यहाँ पर चलते हैं अगले पेज में और देखते हैं नर्व कनेक्शंस, यानी कि जो तंत्रिका का जो आपस में कनेक्शन है उसको जोड़ने में पुनः सक्षम हो जाऊंगा। स्पीड में रिटर्न, स्पीच में रिटर्न, यहाँ पर कहा जा रहा है भाषण को पुनः वापस लाया जा सकता है। लाइफ में कम बैक इन पैरालाइज्ड लिम्स, यानी कि हमारे जो टांगे हैं जिनमें पैरालिसिस हो गया है उनको भी वापस जीवित किया जा सकता है। कॉब वेब्स क्लियर, यानी कि जो जाले हैं उनको हटाया जा सकता है, जो मकड़ी के जो जाले हैं उनको हटाया जा सकता है। दिस स्ट्राइकिंग अडेप्टेबिलिटी इज ए लकी थिंग, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो क्षमताएँ हैं मेरे अंदर वो बहुत ही भाग्यशाली चीज़ें हैं। फॉर डिस्पाइट माई एलेबरेट प्रोटेक्शंस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरा जो संरक्षण करने की जो क्षमता है, यानी कि मेरे जो सुरक्षा की जो क्षमता है उसको यदि छोड़ दिया जाए, उसके अलावा आई एम प्रे टू एन एरिया ऑफ ट्रबल, यहाँ पर कहा जा रहा है और भी मेरे अंदर बहुत सारी समस्याएँ विद्यमान हैं, जैसे कि ट्यूमर कैन काज ए वैरायटी ऑफ डिजास्टर। ट्यूमर्स यानी आप देखते हैं कि कैंसर हो जाता है मस्तिष्क में तो उसको ट्यूमर कहा जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी विपत्ति ला सकता है। फॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से ट्यूमर रिमूवल, यानी कि ट्यूमर को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, व्हेन इट इज पॉसिबल, क्योंकि अब यह संभव है। इज नाउ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेफ, जो पूर्णतः सुरक्षित है, एंड ऑफन रिजल्ट्स इन ड्रामेटिक रिकवरीज, और जिसको रिकवर करने का जो तरीका है वो भले ही नाटकीय हो और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये सभी ट्यूमर को हटाया जा सकता है और बहुत आसानी से सुरक्षित भी है। आगे देखें, स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, यानी कि जो चोट है वो सबसे प्रमुख समस्या है, मतलब अन्य एक प्रमुख समस्या है हमारे मस्तिष्क की। ए क्लॉट फॉर्म्स इन वन ऑफ माई स्मॉल ब्लड वेसल्स, यहाँ पर कहा जा रहा है एक छोटी सी रक्त धमनी में अगर थक्का जम जाता है खून का, और वन ऑफ माय स्मॉल आर्टरीज, या फिर मेरी छोटी सी जो शिरा होती है उसमें वीकन्स एंड बस्ट, तो ये कमज़ोर होकर फट जाती है। बस्ट मीन्स होता है फट जाना, वीकन मीन्स कमज़ोर हो जाना, एंड पार्ट ऑफ मी स्टार्व्स, और जो क्षेत्र भूखा रह जाएगा उसको आवश्यक चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सिस टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई धमनी या सिरा फट जाती है, वीक होकर कमजोर हो जाती है और फट जाती है, तो जिस क्षेत्र की ये सिरा फट गई है और वहाँ पर खून नहीं पहुँच रहा मस्तिष्क के, तो वहाँ के जो लक्षण हैं वो काफ़ी भयानक हो सकते हैं, और लैप्सिस यानी कि हमारा मस्तिष्क का पैरालिसिस हो सकता है, टोटल पैरालिसिस, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है।
आगे आप यहाँ पर देखें, लिटिल कैन बी डन टू करेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक इन सम केसेस। कई बार कई मामलों में इस स्ट्रोक के जो प्रभाव हैं उनको ठीक भी किए जा सकते हैं इन अदर्स, जबकि अन्य में रिहैबिलिटेशन इज पॉसिबल। इनका ध्यान रखना संभव है, यानी कि इनको सही किया जाना संभव है, आराम कराना संभव है। इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन विच पार्ट एंड हाउ मच ऑफ मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। और इसका निर्भर करता है कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ है, नष्ट हुआ है, और कितनी मात्रा में नष्ट हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण है हमारे मस्तिष्क के बारे में, जो यहाँ पे जो बता रहा है अपने बारे में। आगे देखें, द थर्ड नेम इज ब्रेन इंजरी। कह रहा है कि जो तीसरा शत्रु है वो है मस्तिष्क की जो इंजरी है, जो चोट लगना। आगे देखें, डिस्पाइट माई वाटरी कुशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरी जो तरल कुशन है, गद्देदार जो मस्तिष्क है हमारा, वो पानी आस बगल से पूरे पानी तरह का तरल पदार्थ भरा रहता है, जो हमें तकिए का काम करता है। यानी कि यदि ठोकर कहीं से लगती है हमारे मस्तिष्क में, तो हमारे अंदर मस्तिष्क को चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि अगल बगल काफ़ी तरल पदार्थ होता है, और तरल पदार्थ होने की वजह से काफ़ी ऐसे सहायता मिलती है कि चोट ना लगे। एंड फोर्ट्रेस स्कल, और यहाँ पर किले की समान जो एक खोपड़ी होती है जो काफ़ी मोटी होती है, तो सामान्य सी चोटें हमारे खोपड़ी पे नहीं लगती। आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड अराउंड बाई ब्लोज एक्सीडेंट फॉल्स। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे चोटें पहुँच सकती हैं, जैसे कि ब्लोज, किसी विशेष घटना का हो जाना, एक्सीडेंट्स होना या गिर जाना। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। यहाँ पर कह रहा है कि कई ऐसे तरीके हैं जिनसे, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आई में स्वेल, ऐसे सूजन आ सकती है कि ज़्यादा चोट लग जाती है मस्तिष्क में तो सूजन आ सकती है। जस्ट एज ए मैस्ड फिंगर डस, जिस तरह से हमारे जो फिंगर है, उंगली में यदि कुछ चीज़ लग जाती है, मसल जाती है, तो सूजन आ जाती है। ठीक उसी तरह यदि ज़्यादा चोट लग जाएगी तो हमारे मस्तिष्क में भी सूजन आ जाती है। बट बिकॉज, लेकिन क्योंकि आई एम कन्फाइंड इन ए बॉनी प्रिजन। यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि मेरी जो क्षेत्र है मस्तिष्क का, वो एक हड्डी के जेल से बना हुआ है। यानी कि ऐसा बोलें कि एक ऐसी जेल है जिसमें बिल्कुल भी अतिरिक्त जगह नहीं है। अगर सूजन होती है तो उस पर दबाव पड़ता है मस्तिष्क में। आई हैव नो रूम टू स्वेल। यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है ताकि मैं सूज सकूं या मेरा मस्तिष्क फूल सके। प्रेशर डेवलप्स। अगर ऐसा होता है कि सूजन आती है मस्तिष्क में तो मेरे मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैकआउट टू डेथ, और इसका परिणाम हो सकता है मृत्यु, यानी इसके जो लक्षण हैं वो मृत्यु के तौर पे हो सकते हैं। आगे देखें, लास्ट पैराग्राफ है। बट माई कम बैक पावर्स, यानी कि मेरे जो स्वस्थ होने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, एज वी हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि हमने देखा, आर माइटी, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, प्रचुर मात्रा में है। एंड माई स्टोरी इज बाई नो मीन्स ओवर। और यहाँ पर कह रहा है मेरी जो कहानी है, इज बाई नो मीन्स ओवर, वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इफ माई अकॉम्प्लिशमेंट टू डेट लूम लार्ज, और मेरी जो उपलब्धियाँ हैं वो आज तक बनी हुई हैं। स्पीच, मेमोरी, रीजनिंग, भाषण, याददाश्त, रीजनिंग, तर्क शक्ति, एंड ऑल द अदर वंडर्स, और अन्य मेरे जितने भी आश्चर्य हैं, दे मे बी एज नथिंग कंपेयर टू व्हाट लाइज अहेड। भविष्य के बारे में तुलनात्मक रूप से कुछ भी नहीं है। आगे देखें, माई रिसोर्सेज हैव बी बेयरली बीन टैप्ड। मेरे जो स्रोत हैं उनको आज तक कोई खोज नहीं पाया है, कोई ढूंढ नहीं पाया है, उनकी उनको टैप नहीं किया जा सका है। माई पोटेंशियल इज इनॉर्मस। मेरी जो संभावनाएं हैं वो विशाल हैं, असीम हैं। फॉर मैन ए फ्यू हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स इन द फ्यूचर, जो आदमी के लिए ए फ्यू हंड्रेड थाउजेंड्स, जो सौ हजार साल इन द फ्यूचर भविष्य में, आई मे सीम क्विट एज प्रिमिटिव, हो सकता है कि मुझे प्राचीन समझा जाए। यानी कि लगभग
100,000 साल बाद हो सकता है मनुष्य मुझे प्राचीन समझ ले, जैसा कि नियंडरथल मैन्स ब्रेन सीम्स टुडे, जैसा कि पहले जो नियंडरथल मैन था उसको आज समझा जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो नियंडरथल मैन था उसका दिमाग थोड़ा कम विकसित था। ऐसा कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में जो दिमाग है हम लोगों का, 100,000 साल बाद यदि हम आज के मानव की कल्पना करें तो जो आने वाला जो मानव होगा उसका जो मस्तिष्क है वो और ज़्यादा विकसित होगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर जो जो ने खुद अपने मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है और यहाँ पर अडेप्टेड लिखा गया है, यानी कि इस लेशन को उठाया गया है साइंस के किसी टॉपिक से और इसलिए इसको अडेप्टेड लिख दिया गया है, यानी कि ये किसी लेखक के द्वारा लिखा नहीं गया है ये लेशन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और ये आपको लेशन कितना समझ में आया वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि कोई समस्या है तो वो भी हमें लिख भेजें। मैं फ्रेंड्स बताता हूँ कि कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि सर जो आपका जो वीडियो है वो थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा है, तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ जब आप यूट्यूब में हमारा वीडियो देखते हैं तो शुरुआत में जैसे ही चलाते हैं तो कम साफ दिखाई देता है, क्योंकि पिक्सल्स आपके कम होते हैं। आप राइट हैंड साइड में ऊपर जो तीन बिंदु दिखाई दे रहे हैं उनमें क्लिक करना है और जो पिक्सल है उसको बढ़ा लेना है, 480 से आपको ऊपर रखना है, 480 में आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको कर लेना है, तो हमारा जो वीडियो है, हमारा जो लेसन है वो पूरी तरह से आपको सभी जो इसके जो वर्ड्स हैं एकदम स्पष्ट समझ में आएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।